हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। मैंने उसमें बताया कि आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें। मैंने ये बोला था अपने वीडियो में कि आपको इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य जो है, अंग्रेजी साहित्य आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको कुछ एक बुक्स बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत भारी भरकम बुक्स नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में, शुरुआत में आप जो वैसे बहुत उतनी भारी भरकम किताबें नहीं, उनको पढ़ के भी आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस सीरीज ऑफ बुक्स है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। ये मैंने अपने पहले भी कुछ एक वीडियो में बताई बात, ये नाम बुक मैंने बताया होगा, चिकन सूप फॉर द सोल। ये सीरीज है बुक्स की, 10 बुक्स है, 10 बुक्स है इसमें। तो आपको जो स्टार्ट करना है, नंबर 3 से स्टार्ट करना है। इसमें जो नंबर 3 वाली बुक है वो बहुत ही कमाल की, कमाल की। तो ये जो चिकन सूप फॉर द सोल, ये जो सीरीज ऑफ बुक्स है, इन बुक्स में जो स्टोरीज है वो शॉर्ट स्टोरीज है और बहुत ही कमाल की स्टोरीज है इनका। इसमें जो लिटरेचर है वो कमाल का है और आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी सीख सकते हैं। तो ये तो एक बुक थी। आपको थोड़ा सा पहले का जो लिटरेचर है, जो क्लासिक लिटरेचर है, वो भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट, जूलियट, मैकबेथ, या द टेम्पेस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत सारे प्लेज हैं शेक्सपियर के, ये भी आपको पढ़ने चाहिए। और अगर आपको थोड़े से और क्लासिक्स पढ़ने हो, तो जैसे चार्ल्स डिकेंस की बुक्स हैं, या आपका टॉमस हार्डी की बुक्स है, ये आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो डीएच लॉरेंस की बुक है, बहुत ही फेमस है, सन्स एंड लवर्स, ये पढ़ सकते हैं। कुछ एक रशियन राइटर्स हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, जैसे मक्सिम गोर्की, इनकी एक बुक है मदन, पूरी दुनिया में फेमस है, तो ये बुक्स पढ़ी जा सकती हैं। फ्योदोर दस्तोयेवस्की बहुत बड़े राइटर हैं रशियन लिटरेचर के, लेकिन इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन उनकी एक बुक है द ईडियट, कमाल की बुक्स है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब बुक्स को आप पढ़ेंगे, जो बुक्स मैंने बताई, आपको स्टार्टिंग किस बुक से करना चाहिए, चिकन सूप फॉर द सोल, उससे स्टार्ट करिए। एकदम छोटी छोटी कहानियां हैं, मतलब आप बोर भी नहीं होंगे और आप काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी सीख सकते हैं और आपको बहुत सी बातों का भी पता चलेगा। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से वैसे भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि जिनकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, जो नेटिव स्पीकर्स यानी जो अंग्रेज हैं, वो कैसे सोचते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, इसका भी पता चलता है लिटरेचर से। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आप इंग्लिश, ये जो मैंने आपको बुक बताई चिकन सूप फॉर द सोल, उससे स्टार्ट करिए और अपनी प्रोग्रेस के बारे में आप मुझे बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए, फिर मैं आपको और भी बुक्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।